हाउ आर यू, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ये मेकअप लुक अचीव करूँगी और इस मेकअप लुक को देखने के लिए आपको वीडियो पूरी ऑफ कोर्स एंड तक देखनी होगी। सो सबसे पहले मैंने जो फेस बेस अचीव की है वो मैंने प्रीवियस वीडियो आपके साथ शेयर कर दी है। ये काशीज इंस्पायर्ड फेस बेस मैंने अपने फेस के ऊपर अप्लाई की है। अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको प्रीवियस वीडियो देखनी होगी और बाकी का आई मेकअप लुक वो आपको इस वीडियो में मिलेगा। सो सबसे पहले बहुत ही इजीली अवेलेबल और सबकी पहुंच में है ये आई शेडो पैलेट। तो मैं ये वाली आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। ये ग्लैमरस फेस की आई शेडो पैलेट है और इसमें से मैंने ये कलर पिक किया है और उसको मैं क्रीज लाइन एरिया पर एज अ ब्लेंडेड मोशन अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही लाइट हैंड के साथ मैं अप्लाई करूँगी और मैं बिल्कुल उसी तरह का जो है वो शेड अपनी आई पे क्रिएट करूँगी जिसका मॉडल लुक मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में दिखाया है। बिल्कुल वो आई मेकअप लुक मैं अचीव करने की भरपूर कोशिश करूँगी। इट इज़ अ काशीज़ इंस्पायर्ड मेकअप लुक। सो शेड को अप्लाई करने के बाद मैंने बिल्कुल एक क्लीन ब्रश से जो है वो शेड को ब्लेंड किया है। उसके बाद मैं ग्लैमरस फेस की आई शेडो पैलेट से ये दो शेड पिक करूँगी। ये कुछ ब्राइट ब्लू और पर्पल शेड हैं, इन दोनों को मिक्स करके मैं सेम वैसा ही कलर अचीव करने की कोशिश करूँगी जो मॉडल की आईज पे हुआ हुआ है। सो इस तरह से जो है मैं शेड को अप्लाई करूँगी। पहले मैं शेड को बिल्डअप करूँगी, आप देख सकते होंगे मैं अभी ब्लेंड नहीं कर रही हूँ शेड को, जस्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ, बिल्डअप कर रही हूँ शेड को। जब मेरी मर्ज़ी के रिक्वायर्ड शेड अप्लाई हो जाएगा उसके बाद मैं लास्ट में जो है क्लीन ब्रश के साथ ब्लेंड करूँगी। सो गाइज़, यहाँ पर मैं अब करूँगी आईब्रोज़ को नीट, बिकॉज़ शुरू में करना मैं भूल गई थी तो मैंने सोचा मैं अब आईब्रोज़ को जो है वो नीट कर लूँगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। अदरवाइज़ जो है मैं बस सबसे पहले आईब्रोज़ को नीट करती हूँ, देन मैं आई मेकअप की तरफ जाती हूँ। सो यहाँ पर मैंने फोकल लेयर की आईब्रो पेंसिल ली है, उससे मैंने आईब्रोज़ को आउटलाइन किया है, फिल इन किया है। यहाँ पर मैं आईब्रोज़ को ब्रश अप कर रही हूँ। जब तक आईब्रोज़ को ब्रश नहीं करते उसके तब तक जो है वो आईब्रोज़ में एक नेचुरल और एक फ़ाइन लुक नहीं आता। अच्छा, यहाँ पर मुझे आईब्रोज़ ना थोड़ी सी डार्कन लग रही थी तो इसलिए मैंने सेम फाउंडेशन ब्रश लिया है जिससे मैंने अपनी स्किन स्टिक फाउंडेशन अपने फेस पर अप्लाई की थी, और उस ब्रश से जो है वो मैं आईब्रोज़ को थोड़ा लाइटन अप कर रही हूँ। और अब यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ लोअर लैश लाइन पे ये ब्राउन शेड। सेम ब्राउन शेड मैंने जो है ग्लैमरस फेस की आई शेडो पैलेट से पिक किया है। इस ब्राउन शेड को अप्लाई करने के बाद मैं वाइट पेंसिल, नहीं वाइट पेंसिल अभी नहीं अप्लाई करी। अच्छा, फोकल एयर की आई शेडो पैलेट से मैंने ये वेटी ग्लिटरी शेड पिक किया है। इट इज़ काइंड ऑफ अ ग्लिटर, ब्लू ग्लिटर शेड, बट ये जो है ना आपकी आईज़ पे लगने के बाद ना आईज़ को एक काफ़ी वेट ग्लिटरी लुक देता है। मतलब ग्लिटर चंक्स जो है ना वो इतने ज़्यादा नहीं लग रहे होते लेकिन आईज़ जो है ना वो एक स्पार्कली क्या बोलेंगे, वेट आई लुक दे रही होती हैं। सो बहुत अच्छा जो है ना वो इस ब्लू आई शेड का ना आईज़ के ऊपर लुक आता है। इस आई शेडो पैलेट में मुझे ये शेड बहुत पसंद है। सो यहाँ पर आप देख सकते होंगे कॉर्नर वी एरिया पर और आईब्रो बोन पर मैंने जो शेड अप्लाई किया है। ब्रश को मैंने थोड़ा सा जो मैंने DIY मेकअप फिक्सिंग स्प्रे अप्लाई बनाया था उससे मैंने ब्रश को थोड़ा सा वेट करके अप्लाई किया है। अब यहाँ पर जो है वो मैं वाइट पेंसिल अप्लाई कर रही हूँ। वाइट पेंसिल लोअर लैश लाइन, वाइट पेंसिल वाटर लाइन पे अप्लाई करने के बाद यहाँ पे अब मैं ब्लैक आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। ब्लैक आईलाइनर मैंने म्यूज़िक फ्लावर का पिक किया है और जस्ट एक सिंपल मैं आईलाइनर अप्लाई करूँगी और थोड़ा सा मैं कॉर्नर वी को भी क्या बोलेंगे, कॉर्नर वी भी आईलाइनर की हेल्प से बनाऊंगी। सो जो मेकअप लुक मैं फॉलो कर रही हूँ उसमें आउटर वी एरिया पर आईलाइनर ब्लेंडेड ली अप्लाइड है। तो यहाँ पर मैं आईलाइनर अप्लाई करने के बाद एक ब्लैक आई शेडो पिक करूँगी। आप कोई सा भी ब्लैक आई शेडो पिक कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं कॉर्नर वी से जो है वो आईलाइनर को जस्ट ब्लैक आई शेड के साथ ब्लेंड करूँगी।
सो यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगी आई लैशेज़ अप्लाई करने के बाद आई मेकअप लुक कम्प्लीटली कम्प्लीट हो गया है। अब यहाँ पर मैं फेस कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। आई डोंट नो वाई कुछ गर्ल्स का कमेंट आया हुआ था कि आप फेस कॉन्टोरिंग बहुत मतलब ब्लेंड नहीं करती हैं। अब पता नहीं आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है। ओबियसली मैं मिरर में देख कर मैं अपना मेकअप कर रही हूँ, जब मैं इतनी चीज़ें ब्लेंड कर रही हूँ तो मैं फ़ेस कॉन्टोरिंग अच्छे से ब्लेंड क्यों नहीं करूँगी। मैं जो हूँ मेरा फेस राउंड है, चबी है और मेरे फेस पे कॉन्टोरिंग की ज़रूरत अच्छी खासी है। ऐसा नहीं है कि ज़रूरत ज़्यादा है तो मैं बस कॉन्टोरिंग की लाइंस क्रिएट करके छोड़ देती हूँ। मैं बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड करती हूँ, मुझे मिरर में नज़र आ रहा होता है कि मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। आई डोंट नो आपको कैमरे में क्यों नहीं सही लगता। यहाँ पर जो है वो मैंने कॉन्टोरिंग को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है, नोज़ कॉन्टोरिंग कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर मैं O2O की आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। कॉन्टोर के लिए भी मैंने O2O की कॉन्टोर पैलेट यूज़ की थी और यहाँ पर मैं O2O की ब्लश पैलेट यूज़ कर रही हूँ। चीक्स पे, नोज़ पे और थोड़ा सा चिन पर मैं ब्लश अप्लाई करूँगी। अच्छा, कॉन्टोरिंग ब्लश और हाईलाइट के मामले में मैं काशीज़ के मेकअप को थोड़ा कम फॉलो करती हूँ, बिकॉज़ मैं अपने फेस के हिसाब से मेकअप कर रही होती हूँ। जो चीज़ मेरे फेस पे सूट करती है ना, मैं उसको थोड़ा सा जो है वो कस्टमाइज़ करके अपने अपने हिसाब से फॉलो करती हूँ। काशीज़ कैसे अपनी ब्राइड्स पे मेकअप करता है, कैसे नहीं करता, तो वो मॉडल की शेप पे, मॉडल की जो फेस शेप होती है, मॉडल के जो फेस कट्स होते हैं उनको हिसाब से फॉलो करता होगा। यहाँ पर मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ। ओवरऑल यहाँ पर मैंने लिपस्टिक अप्लाई कर ली है, दो लिपस्टिक यहाँ पर मैंने अप्लाई की हैं। इसको मैंने आउटलाइन किया है पार्टी क्वीन शेड नंबर 14 लिप लाइनर से और लिपस्टिक मैंने अप्लाई की है O2O की 04 मैट लिपस्टिक। उसके बाद यहाँ पे ये मेरा कंप्लीट मेकअप लुक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।